सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के कातिलों को दी है मौत की सजा, लेकिन क्या फिर भी बचकर निकल सकते हैं निर्भया के गुनहगार? फांसी का फंदा चारों का इंतजार कर रहा है। अब इन चारों के लिए मौत तय है। मौत ठीक इनके सामने खड़ी है, लेकिन मौत से भागने की छटपटाहट में ये चारों अब भी बचने के लिए तीन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो सकते हैं वो तीन रास्ते। पहला रास्ता, पुनर्विचार याचिका। मौत से बचने के लिए ये चारों अपराधी सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। खंडपीठ से मतलब है ज्यादा जजों की बेंच के सामने मामले को दोबारा पुनर्विचार के लिए रखने की गुजारिश। इनके सामने दूसरा रास्ता है राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने का। अगर दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो ये चारों राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल कर अपनी जान बख्शने की गुहार लगा सकते हैं। ये फैसला पूरी तरह से राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि वो इनकी फांसी की सजा को बरकरार रहने दें या फिर इसे उम्र कैद में तब्दील कर दें। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही इस बारे में फैसला लेते हैं। तीसरा रास्ता है क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जाती है जब किसी दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दोनों खारिज हो चुकी हों। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन याचिकाकर्ता को बताना होता है कि वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। कुल मिलाकर अब ये तीनों कानूनी रास्ते काफी पेचीदा हैं। निर्भया गैंगरेप के दोषियों का गुनाह अब इतना बड़ा है कि उन्हें इन तीन रास्तों से भी राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।